तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रीड किया था, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में थ्री मेथड्स हैं, तीनों से आंसर सेम ही होते हैं, किसी भी एक से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। कल हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को सोल्व किया था। डायरेक्ट मेथड में एक बार अगर हम लोग रिवाइज करें तो हम लोगों ने बोला था कि सेवन कॉलम हमारे लिए बनेंगे एक्स, एक्स के बाद बेटा हम लोग यहाँ पर स्मॉल एक्स निकालेंगे जिसको एक्स माइनस एक्स बार बोलेंगे, देन स्मॉल एक्स स्क्वायर वाई स्मॉल वाई वाई माइनस वाई बार स्मॉल वाई स्क्वायर एंड फाइनली स्मॉल एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिवीजन को। यहाँ एक तो आपको पहले एक्स बार फाइंड आउट करना होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, देन y बार फाइंड आउट करना होता है सिग्मा y अपॉन n, फाइनली r कैलकुलेट करते हो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हम लोगों ने रीड किया था। अब नेक्स्ट मेथड हमारे लिए आता है बेटा शॉर्टकट मेथड। अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड को यूज करें ना तो भी सेवन कॉलम बनेंगे, बट डेविएशन हम लोग अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट नहीं करेंगे और उसकी जगह डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए एज्यूम्ड मीन हम लोग यूज करेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड करा होगा अर्थमेटिक मीन वगैरह निकालने के लिए आप किसी भी एक सिंगल वैल्यू को एज्यूम मीन ले सकते हो। हम यहाँ जो कैलकुलेशन करेंगे शॉर्टकट मेथड में वो एज्यूम्ड मीन से करेंगे। स्टेप्स को ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेटा एक्स होगा क्वेश्चन में, देन आफ्टर हम लोग x में से किसी भी एक को अपनी तरफ से एज्यूम्ड करेंगे एज ए मीन, और एज्यूम मीन लेने के बाद आप लोग dx कैलकुलेट करोगे। dx बोलेंगे, स्मॉल x बोलते थे उसे यहाँ पर dx बोलेंगे, x माइनस a। अब वही बेटा dx का स्क्वायर कर देंगे, सेम y होगा, y में से एज्यूम मीन लेंगे, dy कैलकुलेट करेंगे y माइनस a, dy स्क्वायर करेंगे एंड फाइनली हम लोग बेटा dx एंड dy को मल्टीप्लाई करेंगे जिसको dx dy बोलेंगे। तो फर्क इतना सा रहता है कि वहां पर डिवीजन जो आप लोग कैलकुलेट करते हो वो x बार एंड y बार से कैलकुलेट करते हैं, जबकि यहां जब आप लोग डिवीजन फाइंड आउट करते हो तो वो एज्यूम्ड मीन से फाइंड आउट करते हैं। तो हम x में से किसी भी वैल्यू को, आपकी इच्छा हो उस वैल्यू को आप लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। dx कैलकुलेट करेंगे x माइनस a, dx स्क्वायर करेंगे, y में से कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम लेकर dy कैलकुलेट करेंगे y माइनस a, dy स्क्वायर करेंगे एंड फाइनली dx एंड dy को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ फॉर्मूला सोल्व करने के लिए x एंड y के अलावा रिमेनिंग 5 कॉलम के समेशन आपको लगाने हो। तो आप सबसे पहले तो एक तो सिग्मा dx कैलकुलेट करोगे, फिर सिग्मा dx स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, सिग्मा dy कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा dy स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और फाइनली सिग्मा dx एंड dy को मल्टीप्लाई करेंगे। कल जो प्रोडक्ट निकाला था उसका समेशन लेंगे। 5 कॉलम के समेशन लेने हैं, सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dy, सिग्मा डी वाई स्क्वायर एंड सिग्मा डी एक्स डी वाई। देन आर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और आर का फॉर्मूला होगा बेटा हमारे लिए आर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा dx into सिग्मा dy, n into सिग्मा dx dy minus सिग्मा dx into सिग्मा dy, एंड नीचे आएगा आपका रूट ऑफ ब्रैकेट n into सिग्मा dx स्क्वायर minus सिग्मा dx का होल स्क्वायर। जो x के लिए टर्म लिखा है वही वापस ब्रैकेट n into y के लिए सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है बट 16 हम लोग करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे लिए रहेगा एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई,
अपॉन रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। एक बार अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ फॉर्मूला, तो एक बार और फॉर्मूला बेटा हम लोग प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला कहें तो शॉर्टकट मेथड में आप लोगों के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आप लोगों के लिए कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन शॉर्टकट मेथड से निकालने का फॉर्मूला रहेगा। पॉइंट आएगा कि सर हम क्वेश्चन कुछ नहीं गिवन है तो क्यों डायरेक्ट से क्यों नहीं सोल्व करना चाहिए। बेटा इनकेस डायरेक्ट मेथड में हम जब एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करते हैं ना, तो देयर मे बी ए चांस कि आपके एक्स बार और वाई बार डेसिमल में आ जाए। कल जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना, उनमें आपके होल वैल्यू में पूरा आप लोगों के लिए एक्स बार वाई बार आ रहा था, डेसिमल नहीं आ रहा था। अगर यहाँ डेसिमल आ जाए ना, तो ये डिविशंस बेटा डेसिमल में होंगे, ये स्क्वायर आप लोगों के लिए डेसिमल में होंगे, ये प्रोडक्ट डेसिमल में आएगा, तो कैलकुलेशन किया तो जा सकता है लेकिन लेंथी हो जाता है। इसलिए बेटर रहता है कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट से सोल्व ना कर कर शॉर्टकट मेथड से ही प्रिफर करें। फॉर्मूला जरूर लेंथी है बट टेबल कैलकुलेशन ईजी रहती है। तो x में से हम लोग एज्यूम मीन लेकर डी एक्स कैलकुलेट करेंगे x माइनस ए, फिर डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। y में से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन लेकर बेटा डी वाई कैलकुलेट करेंगे y माइनस ए, देन डी वाई स्क्वायर, एंड फाइनली हम लोग डी एक्स डी वाई कैलकुलेट करेंगे। फाइव कॉलम का समेशन हम लोग यहाँ पर लेंगे, सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर एंड सिग्मा डी एक्स डी वाई। फॉर्मूला हमारे लिए एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट हमारे लिए फॉर्मूला होगा। यहाँ पर आपको पूरा कॉलम वाइज फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर टेबल में मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए शॉर्टकट मेथड होगा। अब तक हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 2 और 3 क्वेश्चन में अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ और 2-3 क्वेश्चन में आप लोगों को एज ए होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को प्रैक्टिस कर रहे हैं। 6 तक हमने किए थे, 7th एंड 8th आप लोग सेल्फ सोल्व करेंगे, कल होमवर्क ऐसे आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। 9th क्वेश्चन में आप लोगों को अभी करा रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ गिवन है कैलकुलेट कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वालिटी सप्लाइड। बेटा कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन तो 3 मेथड से निकलता है, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन एंड रैंक कोरिलेशन। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम लोग कार्ल पियर्सन को प्रिफर करते हैं और कार्ल पियर्सन में भी हम लोग शॉर्टकट मेथड को प्रिफर करेंगे। तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड अगर लेंगे तो 5 कॉलम हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में एक्स हम लोग लेंगे, नेक्स्ट डीएक्स, तो नेक्स्ट कॉलम में हम लोग डीएक्स कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस ए, देन डीएक्स स्क्वायर, वाई डीवाई कैलकुलेट करेंगे वाई माइनस ए, तो हम लोग डीवाई कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर डीवाई स्क्वायर, फाइनली dx एंड dy को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। x वैल्यू अगर हम लोग कहें तो 4
तो x का वैल्यू अगर हम लोग बोलें तो x के वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 4, 6, 8, 15 एंड 20। y वैल्यू गिवन है 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब आप शॉर्टकट मेथड अगर लेंगे तो एज्यूम मीन कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक वैल्यू को, एज ए एज्यूम मीन बेटा हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो एनी वैल्यू यू कैन सेलेक्ट, हम लोग यहाँ पर एज्यूम मीन बेटा 8 को एज्यूम कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए -4, -2, 0, 7 एंड 12। समेशन अगर हम लोग लगाएं तो सिग्मा डीएक्स बेटा हमारे लिए 13, हमारे लिए सिग्मा डी एक्स हो जाएगा। स्क्वायर अगर हम लोग करें, -4 का स्क्वायर 16, 4, 0, 49, 144। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अगर हम लोग समेशन लगाएंगे तो ये हमारे लिए 213 हो जाएगा। वाई में से किसी भी एक वैल्यू को आप लोग यहाँ अज्यूम करेंगे तो वाई में से हम लोग अज्यूम यहाँ पर 20 को अज्यूम कर रहे हैं, 20 को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। -10, -5, 20, -20, 0, 5 एंड 10। सिग्मा डी वाई आपका 0 हो जाएगा। डी वाई स्क्वायर हम लोग लेंगे तो 100, 25, 0, 25, 100। सिग्मा डी वाई स्क्वायर 250। डी एक्स एंड डी वाई को मल्टीप्लाई करोगे, -4 × -10 40, -2 × -5 10, 0, 7 × 5 35, 12 × 10 120। इनका अगर हम लोग समेशन लगाएं तो सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे लिए 205 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए कैलकुलेशन टेबल। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूले को हम लोग यहाँ लिखते हैं आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एन नंबर ऑफ वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैल्यू बेटा हमारे पास 5 है, एन तो हुआ 5। तो एन हमारे लिए 5 होगा। सिग्मा डी एक्स डी वाई 205, लास्ट कॉलम का समेशन। सिग्मा डी एक्स 13, सिग्मा डी वाई 0 अपॉन एन 5। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो 213 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर 250 माइनस सिग्मा डी वाई हमारा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग अगर सोल्व करेंगे तो 5 × 205 अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो 1025 -0, 13 × 0 ये हो जाएगा हमारे लिए 1065 -169 -1250 -0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। देन 1025 ब्रैकेट खोलेंगे तो 1065 -169 करोगे 896 × 1250 1025 अपॉन
मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 112 4 टाइम्स 0 हमारे लिए हो जाएगा, देन इसको सोल्व करें तो 1025 अपॉन 1058.30, और इन्हें अगर डिवाइड दोगे तो ये हमारे लिए प्लस का 0.968 होगा, जिसे आप लोग प्लस 0.97 भी बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों का शॉर्टकट मेथड, फर्स्ट 7 कॉलम आप लोगों को बनाने, ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, देन ये फॉर्मूला पुट कर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, दो वैल्यू का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे लिए फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लोग बोले तो आप लोगों के पास क्वेश्चन में एक्स कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ फॉलोइंग डाटा, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कार्ल पियर्सन यूज करेंगे और उसमें शॉर्टकट को हम लोग प्रिफर करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्स वैल्यू अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में तो 10, 6 and 9, 10, तो 10, 6, 9, 10, 12, 13, 11 10, 6, 9, 10, 12, 13, 11 and 9 dx कैलकुलेट करोगे x माइनस a, एज्यूमिंग हम किसी को भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने 10 को लिया, 0 -4, 9 - 10 - 1, 0, 2, 3, 1, -1, समेशन लगाएंगे सिग्मा dx, अगर हम लोग ये समेशन लगाएं तो माइनस के तो हो रहे हैं 6 और प्लस के भी हो रहे हैं बेटा हमारे लिए 6, तो समेशन हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, 0, 16, 1, 0, 4, 9, 1, 1, समेशन लगाएंगे सिग्मा dx स्क्वायर, तो ये हमारे लिए 32 बेटा सिग्मा dx स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट y वेरिएबल है बेटा 9, 4, 6, 9, 9, 4, 6, 9, 11, 13, 8 and 4 बेटा हमारे लिए वहां पर y था। dy कैलकुलेट करोगे y माइनस a, यहाँ अज्यूम मीन मान लें हम लोग 9 को अज्यूम कर रहे हैं, 0 - 5 - 3, 0 + 2 + 4 - 1 and -5, तो अगर हम लोग यहां पर समेशन लगाएं तो सिग्मा dy हमारे लिए -8 आएगा, dy स्क्वायर 0, 25, 9, 0, 4, 16, 1, 25 एंड फाइनली dx एंड dy अगर समेशन अगर हम लोग लगाएं तो सिग्मा dy स्क्वायर हमारे लिए -80 आएगा। dx dy 0 - 0 - 4 - -5 + 20 -1 - -3 + 3, 0 - 0, 2 - 2, 3 - 4, 1 - -1, -1 - -5, + 5,
तो सिग्मा डीएक्स डीवाई हमारे लिए 43 हो जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला सोल्व करें तो आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डीएक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा डीवाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डीवाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एन यहां अगर हम काउंट करें तो एन बेटा हमारे लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। 8 इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई 43, सिग्मा डी एक्स 0, सिग्मा डी वाई माइनस 8, एन 8, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 32 माइनस 0 का होल स्क्वायर एन 8 इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर 80 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो 344 हमारे लिए ऊपर हो जाएगा माइनस 0, नीचे हमारे लिए 256 माइनस 0, 640 माइनस 64। टेन सोल्व करें तो 344 256 इंटू 576, यहाँ तो बेटा आप लोगों के लिए रूट भी बन रहे हैं 344 अपॉन, सो रूट ओपन अगर हम लोग यही करते हैं 256 का रूट होगा बेटा हमारे लिए 16, 576 का हो जाएगा बेटा 24, तो ये हो जाएगा 344 अपॉन 384 और डिवाइड दोगे तो 0.895, या आप इसको चाहें तो 0.9 भी लिख सकते हैं। या आप लोगों का शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में 7 कॉलम आपको बनाने हैं, एक्स डीएक्स डीएक्स स्क्वायर, वाई डीवाई डीवाई स्क्वायर एंड डीएक्स डीवाई। फॉर्मूला लेना है आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं 9th and 10th, 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ओके थैंक्स, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करते हैं।